कड़ू भी, उधर से मीठा भी, इधर से तेज भी, उधर से खट्टा भी, उधर से मीठा भी, सब तो ऐसा बोल रहे हमको खुर्ची होना, हम खुर्ची होना फुट भाई। ये झूठों का खेल है रे भाई, सरकार के पास बहुत माल है रे भाई। अब मैं बनेखा पठान आने वाली लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ने वाला हूँ, और मैं तो तुम्हारे लिए मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ। अरे हमने तो क्या दिखाया, क्या मोदी कैसा था, मोदी को बड़ा गुरूर था, 36 इंच की छाती थी और कहता था दुनिया को, क्या इस बार मोदी सरकार 400 पार, क्या कहता था दुनिया को, इस बार मोदी सरकार और 400 पार। हमने उसका घमंड उठाया, कभी उलमा ने मेंबर से बात नहीं किया, लेकिन जब उलमा को लगा कि भारत देश संकट में फंस गया है, भारत संकट में फंस गया है और देश के लिए हमको कुछ न कुछ करना है, उलमा ने मेंबर से कहा क्या मोदी को जो है हराना है, ये जातिवादी फिरका प्रस्त जो है तो सरकार को हराना है, ये देश को लूटने वाली सरकार को हराना है, ये जातीय द्वेष फैलाने वाली सरकार को हराना है, ये इंसानों के अंदर जहर फैलाने वाली सरकार को हराना है, ये हमारी माँ बेटियों को जो 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 जहाँ पर बलात्कार होता है उनको साथ देने वाली सरकार को हमारों को हराना है। इसलिए जब जब भी देश में बुराई आ रही है, जब जब भी देश में बुराई आ है, जब भी मुसलमान सामने आए, पहले यहाँ मनुष्य मूर्ति के खिलाफ इस्लाम फैलाया गया, हजरत मोहम्मद पैगंबर का जो संदेश है भारत के लिए, ये जो यहाँ पर संत महावीर की जो कमान है, ये महावीर संत महावीर काश्य है, इन्होंने क्यों जो है तो जैन धर्म निकाला, इस्लाम धर्म क्यों निकला, सिख धर्म क्यों निकला, ये सारे क्रिश्चियन धर्म काश्य आया, ये सब जो है तो मनुष्य मूर्ति से सताए गए लोग हैं। जैसा कि आप फल्ली बुनते क्या, फल्ली फल्ली बुनते ना घर को, वो काय के अंदर चलने के अंदर फुटते जैसी चलने के ऊपर जो तो फल्ली रखते, और जैसा जो फल्ली को ज्यादा चटका बैठा वो चपटी तार की उठ के बाजू में हट जाए, क्या होती वहां से उड़ती और चलने के बाहर निकल जाती। ऐसे है भारत, है रामगिरी, जब जब मनुस्मृति पढ़ के दे के लिए सब मनुस्मृति के सताए हुए लोग हैं, और इस्लाम धर्म जो है तो हम वही जो है तो वहां से जो है तो सताए हुए लोग हैं, और ये सारे लोगों को इंसानियत का नाता बनाने के लिए संत कबीर, संत महावीर, संत गौतम बुद्ध, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब जो है तो वहां से जो है तो बाहर आए, हम वही है, हम भारत के लोग हैं, ये भारत के तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये भारत के तुम्हारे बाप की जो है तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि मोदी कह रहा था अब की बार मोदी सरकार हम जाएंगे 400 पार। जब मुसलमान जगह से उठ गए, मुसलमानों ने सोच लिया कि ये मोदी 400 पार नहीं होना चाहिए, इसकी हार होना चाहिए, मुसलमानों ने लबैक कहा और जो है तो आगाड़ी की सरकार, जो इंडिया आगाड़ी है ये भी अपनी नहीं है, अगर अपने रहती थी यहाँ कोई ना कोई कोई आया, कांग्रेस का कोई है, राष्ट्रवादी का कोई है, उद्या का कोई है, इंडिया का कोई है, नहीं तुमने तुमने लीडर है क्या, कोई कोई लीडर नहीं है, तो मैं ये सियासी भाषण है, ये सियासी भाषण है, ये सियासी भाषण है, हमको मत डरो, क्या तुम सियासत मत करो, अरे सारे नौजवान हुकूमत करने वाली कौन हमारे, तुम तो अभी अभी के है, अभी अभी के है, क्या हम कर्म करो, सारी दुनिया सारा भारत क्या सबके
सोच पर चलता है। यहाँ का राष्ट्रपति हमने बनाया, यहाँ का प्रधानमंत्री हमने बनाया, यहाँ का मुख्यमंत्री हमने बनाया, यहाँ की सारी फौज ये जो है तो यह हमारी सरकार की है। यहाँ का कलेक्टर सरकार का है, यहाँ का कमिश्नर सरकार का है, यहाँ की पुलिस सरकार की है, यहाँ के पहले सरकार के है, यहाँ के दवाखाने सरकार के है, सब चीजें जो है सरकार चलाती है। और सरकार कौन बनाता है, कौन बनाता सरकार, कहीं के जरिए बनाते हैं, तो रहते हैं मजा तुम लो, गुलाम जामुन तुम चोको, गाजर का हलवा तुम खाओ और हमको काली गाजर हलाने लगा। गाजर का गलो हलवा वो खाएंगे, हमको खाली गाजर हलाते रहो, गाजर का हलवा है। तो ये सियासत की स्टेज भी है, सामाजिक स्टेज भी है, धार्मिक स्टेज भी है, व्यापारी का स्टेज भी है, ये सारा स्टेज है। कौन देख कहना कि हमको सियासत नहीं करना है, अगर ये बीमारी का अगर इलाज है, ये बीमारी का जैसा जाए तो ये हुआ था कोरोना, और कोरोना की एक वैक्सीन निकालने के लिए पूरी भाई हाथ ऊपर करो। दूसरी बात, विशालगढ़ परिषद मस्जिद कोल्हापुर के अनुप आरोपियों को दंडित करे, उसके बाद ये जो है ऐसा कानून बनाए कि हिंदू मुस्लिम समाज में नफरत पैदा करने वाले को कड़ी सजा दी जाए, धार्मिक स्थल दरगाह मदरसा मस्जिद की सुरक्षा करेगा। अब ये जो तो रामगिरी महाराज के समर्थन में करने वाले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को तुरंत राजीनामा देना चाहिए। मुस्लिम बेरोजगार युवकों को बिना जांच के कर्ज दे, मुस्लिम युवकों को परेशान करने वाले सच्चर कमेटी के बैठो बैठो सच्चर कमेटी की सिफारिश सभी तो ये करा जाए। और बदलापुर में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने वालों को, और एक अहम बात यह है, आखिरी में एक अहम बात सुनो, क्या हमारी अवकाश की जमीन है, जिस पर मुकेश अंबानी का घर बना है, जिस घर के अंदर 6,000 लोग नौकर हैं, 25,000 जो है तो महीने का उनको भी भरना पड़ता है, उन्हें हमारे अवकाश के ऊपर जमीन के ऊपर उसका घर बचाने के लिए, और ये अवकाश की अपनी छत्तीसगढ़ निगल देते हैं। ये जो राक्षस है ये जमीन निकलते हैं, ये शैतान है जमीन निकलते हैं, इनको ये जमीन निकलना, इसके लिए ये मोदी सरकार ने कानून बनाया। ये जो है तो ये हमारी प्रक्रिया है। अभी अभी जो है तो वहाँ पर फुलमरी में एक मर्डर हुआ है, वो मर्डर भी जो है तो हमारा जो दृष्टि है इसको देखना तो हमारी जो मांगनी है तहसीलदार साहब के मार्फत जो है तो हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पहुंचाने वाले हैं। अभी यहाँ पे जो नायब तहसीलदार साहब आए हुए तहसीलदार साहब को हम जो है एक निवेदन देंगे और बाद में राष्ट्रगीत होगा। राष्ट्रगीत के बाद हम सबको अपने अपने घर अपने अपने गाँव सुकून और शांति से जाना है। सभी ने जो है तकलीफ ना होगा इसका ध्यान रखें। सभी मुसलमान भाई अपने से किसी को तकलीफ ना होगा, शांत नजर से आराम से भाई नारे लगा जाएंगे, नारे लगा नारे
सभी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब जो तो आराम से अपने अपने घर जाए, ऐसी साहब जो है तो बात यहाँ पे करेंगे। तुम्हारी जो समस्या जो है अभी के अभी में प्रोग्राम हमारा जो था अब नियोजन के बाद खत्म हुआ है। आपसे हर बंद दरखास्त की जाती है, हम देखा बनेगा जिंदा ने जैसे कहा है कि हमारे को प्रशासन की इंतजामियत की जरूरत नहीं है, आप हमारा ताउन करो, आप हमारी हेल्प करो, इंशाल्लाह हम इस मोर्चे के जरिए लाखों की तादाद में आपका सर है। आप बता दीजिए कि करोड़ों की तादाद में आपका धार्मिक इज्तिमा करते हैं, आपको किसी प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे ये प्रोग्राम एक धार्मिक ही प्रोग्राम है, इंशाल्लाह प्रशासन के एक समय के लिए भी हम कोई ताउन नहीं लेंगे। आप इत्मीनान के साथ संजीदगी के साथ अपने अपने पीछे के हिसाब से जाने की फिक्र करें। कोई बात ध्यान रखिए कि 2 बजे अजान तमाम मस्जिद के अंदर रखी गई है, 2:30 बजे इंशाअल्लाह नमाज होगी। अब तमाम अहबाब नमाजों की पाबंदी करते हुए अपने गाँव में जाने की फिक्र करें। बड़ा मेहरबानी कोई भी साथी अब कोई नारा ना लगाए, कोई शोर ना करे, बल्कि इत्मीनान से हमारे को बताई गई है, हमारे को ये तरकीब बताई गई है कि अल्लाह की किसी भी नेक अमल करने के लिए अल्लाह के हम बयान करे और उस हम के अंदर कभी भी शोले पर अस्ता पार की कसरत करे। हम अस्ता पार की कसरत करते हुए जाने का इतना करें। तमाम अदालत से मेरी गुजारिश है और मैं तमाम संघर्ष समिति के मेम्बरों से मेम्बरों का शुक्रिया अदा करता हूँ।